इस्लाम कह रहा है इंटीरियर बहुत ज्यादा साफ होगा। सबसे पहले हलाल खाओ, गंद खाओ नहीं, कुत्ते बिल्ली खाने की इजाजत नहीं है, नशे की चीजें हराम कर दी, शराब नापाक करार दी, कपड़े पे लगे नमाज नहीं होगी, शराब अगर अंदर कैसे उतार सकते हो भाई, उसमें बदबू है, बदबूदार चीजें पाक होती हैं कि नापाक, अंदर नहीं उतार सकते, गंद गंद है, गंद खून नहीं पी सकते। ऐसे कौम भी है ना, मैंने वहां तंजानिया में एक जंगली लोगों की वीडियो बनाई थी जो खून पीते हैं जानवर का, अजीब उनके चेहरों में वहशत, तो खून नहीं पी सकते, ये गंद है, आप खाओ अच्छी पाकीजा चीजें। पाकीजा चीजों की जहां तक बात आई है ना, देखो कुछ चीजें होती हैं पाकीजा, कुछ चीजें होती हैं तैयब। तैयब का माना पाकी, यानी पाकी से भी ऊपर की चीज है ये। भाई बच्चों को जरा खामोश करें, जो खवातीन ऊपर बयान सुन रही हैं, बच्चों को कंट्रोल करें। तो यार आदिल भाई आप जाके जरा कंट्रोल करें, बच्चों को शोर कर रहे हैं ये। मैं, मेरा मौजू नहीं है, लेकिन दरमियान में थोड़ी सी बात करके मैं आगे चलता हूँ। हम लोग जो खुराकें खाते हैं ना, वो है हलाल पाकीज़ा, रोटी है, चावल है, आलू है, चिप्स है, पकोड़े हैं, समोसे हैं, रोल हैं, पराठे हैं, सही है ना, घी है, ये क्या है, हलाल चीज़ें, ये खाएंगे ताकत आएगी, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी अल्लाह ने पैदा की हैं जो आपको बिल्कुल निखार के रख देंगी, यानी उससे जो खून बनता है ना, बड़ा ख़ानदानी किस्म का बनता है खून, आपके चेहरे पे चमक पैदा हो जाएगी, आप हड़ो बच्चों हो जाओगे। और मैं कैसे डिफाइन करूं समझ में नहीं आ रहा ना, सही है ना। वो है जैतून, इंजीर और शहद, दूध, खजूर, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे। दूध वो नहीं जो भैंस से निकाला, इंजेक्शन लगावा, फिर उसने गवाले ने अपना दूध भी मिलाया उसमें, यानी जो उसके पास पाउडर वाउडर अवेलेबल था, फिर उसको आपने बॉईल किया, फिर फ्रिज में रख दिया, तीन दिन बाद उसकी जो अज्जाए तरकीबी है ना, यानी उसका फॉर्मूला ही चेंज कर दिया, ठीक है। दूध का एक डॉक्टरों की नज़र में फॉर्मूला होता है, दूध जब फ्रीज होता है ना तो बादीपन पैदा हो जाता है उसमें। तो दूध के सही फायदे उठाने हैं ना, बिल्कुल हटो बच्चों किस्म का दूध पीना है। तो इधर जानवर के थन से दूध निकाला और फौरन पी गए, ये वाला दूध आप चंद दिन पी के देखें, अपनी सेहत देखना, अपना पेट का सिस्टम देखना, आप एसिडिटी खत्म और जबरदस्त हटो बच्चों काम हो जाएगा आपका। हम तो पीते हैं फ्रिज का या बॉइल कर करके, मलाई उसकी अलग हो जाती है, उसकी जो कुदरती जो उसकी जो तरकीब है ना वो चेंज हो जाता है इसमें। तो खैर जैतून खाएं यानी पिए, ठीक है, इंजीर है, खजूर है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर हजरत आयशा फरमाती हैं, दो दो महीने खजूर और पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाया जाता था। अल्लाह ताला पैगंबरों के लिए जिस किस्म की खुराक का सिलेक्शन करते हैं ना, वो सबसे बेहतर खुराक होती है हर लिहाज से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चावल नहीं खाए, वो अलग बात है कि चावल अरब में थे ही नहीं, लेकिन अल्लाह ने ऐसी चीज़ें पैदा ही नहीं होने दी वहाँ पर कि पैगम्बर खाएँ और फिर हमारे लिए वो सुन्नत बन जाए। अभी देखो ये बैठे हुए हैं ना, माशाल्लाह, बताने में कोई हर्ज तो नहीं है, ये वहाँ यूएसए आर्मी में, यूएसए किस में है भाई, डिपार्टमेंट में है वो, उसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, इनको ऐसे शोबे में है, सिक्योरिटी से इनका ताल्लुक है ना, वहाँ पुलिस से ताल्लुक है, बता देता हूँ यार, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, कोई आप हमें पकड़ोगे तो नहीं ना। तो यूएसए की पुलिस में है ये, तो इन लोगों की ट्रेनिंग बहुत टफ किस्म की ट्रेनिंग होती है। जब ये पिछले साल मुझसे मिलने आए थे, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे मोटे ताज़े थे ये। अब ये जब मिलने के लिए आए तो मैंने कहा बाकी कहाँ हैं आप, हैं थोड़े से आए हैं आप, थोड़े से बाकी कहाँ गए आप, ऐसे सिल्म स्मार्ट हो गए ये। और माशाल्लाह इन्होंने तलाक़ याफ्ता खातून से शादी भी की है, जिसके बच्चे भी हैं, और ये अभी अपनी सौतीली बेटी को लेके बैठे हैं बयान सुन, तो ये भी एक खुशी की बात है, क्या ख्याल है। तो अभी नमाज से पहले मैंने उनसे पूछा, यार आप माशाल्लाह बिल्कुल ही फिटफाट हो गए, तो आप लोगों को वहाँ जब ट्रेनिंग के दौरान कुछ खुराक पर भी जाहिर है समझाया जाता होगा कि हम तुम्हें भगा रहे हैं, ऐसा ना हो कुछ ऐसी चीज़ें खा लोगे ये भागना सारा ज़ाया हो जाए, तो कुछ खुराक में भी वो गाइड करते हैं। उन्होंने कहा भाई चावल खाने की इजाज़त, बोलो भाई नहीं, तो चावल खाएँ, मैं मना नहीं कर रहा, हम भी खाते हैं, लेकिन जाहिर है चावल चावल क्या है, उसमें निशास्ता ज़्यादा है, उसमें शक्कर ज़्यादा है, तो तोंद भी निकलती है, फूलता भी आदमी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की हैं कि उनको खा के मोटापा नहीं आता,
वो अलग बात है, वो अरब में थी वही, लेकिन अल्लाह ऐसी चीज पैदा ही नहीं करता पैगंबरों के लिए ना कि वो खाएं और हमारे लिए वो एक नमूना बन जाए। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चावल होते और आप खा रहे होते तो हम कहते हफ्ते में 6 दफा चावल खाना सुन्नत है, तो अल्लाह ने खाने नहीं दिए ऐसी चीजें। दूध में भैंस का दूध भी अच्छा होता है, गाय का दूध भी अच्छा होता है, बकरी का हटो बच्चो होता है, ऊंटनी का हटो हटो बच्चो अच्छा होता है। हमारे नबी ने सबसे ज्यादा ऊंटनी का और बकरी का दूध पिया है, आप रिसर्च करके देख लो, इसमें फैट कम होता है, मोटापा नहीं आता। मोटापा पैदा करने वाली चीजें हमारे पैगंबर ने और सहाबा ने खाई नहीं है, ऊंटनी का दूध और बकरी का दूध, ये चीजें, ये मोटापा नहीं पैदा, इसमें फैट नहीं होता ऊंटनी का दूध, और जिगर के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर जौ खाई है, गंदुम बहुत कम खाई है, तो खजूर तो मुस्तकिल आप खजूरें खाते रहे, आदत डालें, आप देखो आपके चेहरा पे ऐसी फ्रेशनेस आ जाएगी ना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इफ्तार किससे करो, खजूर से। इसको आपने तैयब फरमाया, ऐसी पाकीजा चीज है, क्योंकि जब खाली पेट है ना तो जो खाओगे ठा करके लगेगा जिस्म को, तो ऐसे मौके पर गुटका भी खा सकते हो, उस वक्त जो गुटके का असर होगा वो भरे हुए पेट नहीं होगा। चर्स भी पी सकते हो, सिगरेट भी पी सकते हो, हीरोइन भी खा सकते हो, पी सकते हो, और बिरयानी भी फोड़ सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, लेकिन आपने फरमाया कि ऐसे मौके पे क्या खाना है, खजूर। आप कह सकते हैं हम तो रमजान में खजूरें खाते हैं तो हमारे चेहरे पर तो वो फ्रेशनेस और ये सब वीकनेस खत्म नहीं होती, वजह उसकी है कि 2 दाने आप खजूर के खाते हैं, फिर तबीयत से रोल समोसे फोड़ते हैं, ठीक है ना। तो भाई खजूर का मतलब पता है, फिर खजूर ही खाओ, पेट भरो खजूर से, और ये दिमाग में से निकाल दें कि खजूर खाएंगे तो फिर फला चीज की कमी कैसे पूरी होगी, वो सब कुछ अल्लाह ने उसमें, सिर्फ खजूर ही खा लेना आप, सब कुछ हो जाएगा। उसमें आपको ताकत भी मिलेगी, जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी मिले, ग्लूकोज अच्छा वाला ग्लूकोज मिलेगा आपको, और आयरन भी है, हर चीज है। कहते हैं खजूर में एक इतने से दाने में अल्लाह ने जितनी चीजें जमा कर दी है ना, इतनी किसी और फल में यकजा जमा नहीं हुई है। तो अम्मी आयशा, आज मैं फजर में हदीस सुना, हदीस पढ़ता हूँ ना यहाँ रोजाना, थोड़ी देर का दर्स होता है, तो अम्मी आयशा फरमाती है कि चांद, वो तो गुरबत बयान कर रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3-3 चांद गुजर जाया करते थे और हम खजूर पानी के अलावा कुछ भी मुयसर नहीं होता था, ऐसी ऐसी जिंदगी थी, लेकिन अल्लाह ने उसी में बड़ी पावर रखी है, ताकत रखी है। तो चीजें खाएं, वो भी खाते ना, छोड़ कौन सकता है, लेकिन ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता जो फोकस करें ना इन चीजों को, इंजीर है, अरब लोग खाते हैं। मैं शाम को, आपको पता है हम तुर्की गए तो वहां शामी मुहाजरीन बहुत थे, तो हम जब शाम के लोगों को देखते थे उनके चेहरे में अलग ही रौनक, चेहरे में अलग ही नूर, तो हम अपने दोस्तों से पूछे यार ये इतने खूबसूरत लोग क्यों हैं, उन्होंने कहा ये सदियों से इंजीर जैतून खजूर ये 3 चीजें खाते आ रहे हैं, इनकी इनका नाश्ता इसके बगैर नहीं होता। और हम लोग क्या खाते आ रहे हैं, सदियों से पराठे फोड़ते आ रहे हैं, जैम के साथ मक्खन भी, हमारा पता नहीं कौन सा वाला मक्खन होता है भाई, जिसने जो ला के मक्खन के नाम पे पकड़ा दिया वो खाना शुरू कर दिया हमने। तो खैर ये मेरा मौजू नहीं है, फिर बात इधर को चली जाती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो इस्लाम अंदर की तहारत का भी ख्याल है। देखो कुरान ने कसम उठाई, वत्तीन वज़ैतून, कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की, वहादल बलदिल अमीन, और इस मक्का वाले शहर की भी कसम है, लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, इंसान को हमने बहुत खूबसूरत तकवीम में, यानी सबसे खूबसूरत हमने इंसान को पैदा किया है। अब देखो अजीब बात है, कसम जिस चीज पे उठाई जाती है तो उसमें और कसम में कोई मुनासबत होती है कि नहीं होती, मखलूक के लिए अल्लाह के अलावा किसी और की कसम उठाना जायज नहीं है, लेकिन जब अल्लाह कसम उठाता है ना मखलूक की, तो वो दलील के तौर पर गोया, यानी अल्लाह इसमें यूं कह रहे हैं कि इंजीर और जैतून और मक्का, बलदिल अमीन से मुराद क्या है, मक्का, ये तीनों इस बात पर गवाह हैं कि हमने इंसान को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पैदा किया है। अब सवाल पैदा होता है, इंजीर का इस कसम से और जैतून का इस कसम से और मक्का का इंजीर जैतून से क्या ताल्लुक, भाई ये तीनों आपस में मैच, कोई मैचिंग नहीं हो रही, इन तीनों की आपस में मैचिंग नहीं हो रही, और फिर कसम की उस दावे से मैचिंग नहीं हो रही जो अल्लाह ने कसम के बाद दावा किया है, तो ये बड़ी खानदानी मैचिंग है। जो इंजीर और जैतून खाते हैं ना उन्हीं का दिमाग इतना तेज होता है कि उनको ये मैचिंग समझ में आ जाती, समझ रहे वो क्या है। अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान की खुराक मैंने इंजीर और जैतून बनाई, ये खुराक किसी आम मखलूक की नहीं हो सकती, ये इंसान की जिस्मानी तरक्की के लिए बेहतरीन गिजाएं हैं,
बेहतरीन गिज़ाएँ। और मक्का इंसान की रूहानी तरक्की के लिए, क्योंकि मक्का वही का मरकज़ है। तो तहजीब याफ्ता ज़िंदगी गुजारने के लिए गाइडेंस इसको कहाँ से मिल रही है? मक्का से, जो इसकी रूह को ताकत दे रहा है। अगर मक्का में वही नाजिल ना होती, इंसान तहजीब से दूर होता, जिना कर रहे होते, गे मैरिज को हलाल कर दिया होता, होमोसेक्स को जैसे कर दिया उन्होंने, अब्बा को ओल्ड होम में जमा करा रहे होते, हम भी करा रहे होते, हम क्यों नहीं कराते भाई? अरे अब्बा अम्मा को हम क्यों घर में खिदमत करते हैं? मजहब की वजह से ना, क्या ख्याल है भाई? वरना तो हम हर चीज में गोरों को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर अब्बा को घर में क्यों रखा हुआ है? गोरे तो अब्बा को घर में नहीं रखते भाई। नहीं समझ में आ रहा तो बता दो, मैं घर चला जाता हूं। कॉमन सेंस की बात है ना, हर चीज में गोरा 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 गोरा। एक आदमी ने मुझे इतना दिमाग खाया, मैंने कहा यार आप गोरों के बारे में ये कह रहे हो, वो यूं, कोई तारीफ भी तो होगी। मैंने कहा सबसे बली तो भाई गोरे हैं भाई वो। मैंने कहा कि उनकी जो खूबी है मैं उनका थोड़ी इंकार करता हूँ। तो कहते मसलन, मैंने कहा सबसे पहली खूबी तो ये गोरे हैं, हम उस जैसे गोरे नहीं हम लोग। तो और खूबियां भी हैं, मैं खूबियों का मुनकर नहीं हूं भाई, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम तो चाहे खूबियां हो खामियां हो हर चीज में उनको फॉलो कर रहे हैं ना। गोरे होने के अलावा भी खूबी है, ये नहीं कि सिर्फ गोरे ही होना है, इसके अलावा भी कुछ खूबियां हैं उनके अंदर। दो नंबरियां नहीं है, मुनाफकत नहीं है, ये सब चीजें नहीं है वहां पे। तो अब क्या है कि हर चीज में उनको फॉलो कर रहे हैं, तो इस उसूल के तहत तो हमें अपने अब्बा अम्मा को कहां जमा करा देना चाहिए था, लेकिन नहीं जमा कराते भाई। मजहब है यार, अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है, तो अजाब आएगा। तो ये जो तहजीब वाली तालीम जो रूह को ताकत देने के लिए जरूरी है, ये मक्का है, इस वजह से ये सब चीजें हमें मिली है, क्योंकि वही नाजिल होना कहां से शुरू हुई? मक्का से। तो मक्का मरकज है जिससे इंसान को गाइडेंस मिली, रूहानी जिंदगी, रूहानी ताकत मिली। और अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारी जिस्मानी ताकत के लिए क्या रखा है मैंने? इंजीर और जैतून। इससे पता चलता है कि इंसान आम मखलूक से हटकर है, इसकी रूहानी तरक्की की भी इंतजाम हमने किया है, और बॉडी को बेहतरीन खूबसूरत बनाने के लिए जो गिजाएं हमने इसको दी हैं वो भी इंजीर और जैतून जैसी खानदानी गिजाएं हैं। इससे पता चलता है इंजीर और जैतून क्या चीज़ है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? लेकिन जैतून पका के नहीं खाया करें, उसमें नुकसान होता है। आप कौन सा खा रहे हैं घर जाके? तो खाना तो वही है जो चल रहा है मार्केट में।